बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। काबिल एहतराम बुजुर्गों, भाइयों, मेरे जवान बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। और जो मीडिया के वसादत से मेरी बच्चियां बहनें देख रही हैं, सुन रही हैं, उनको भी अस्सलाम वालेकुम। मेरा यहां पे जो मकसद यहां पे सब आप लोगों को इकट्ठा करना था, वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हमने शुक्रिया अदा करना था, उसका शुक्र अदा करना था कि हमने इलेक्शन कैंपेन 19 दिसंबर से स्टार्ट की और वो कंटिन्यू है और रहेगी। सिर्फ इस चीज़ के लिए मैंने ज़िम्मेदार लोगों को बुलाया है और अल्लाह की मेहरबानी देखें कि ये आपके सामने मजमा बैठा हुआ है। ये सिर्फ मैंने अपने यूसी के सिर्फ चंद लोगों को यहाँ पे मधु किया है और जिस तरीके से मैं मेरी पूरी टीम हर जगह पर जाते रहे हैं, तो ये जो 22,000 और 23,000 का रोला पड़ा हुआ है, हरगिज हमारा मैंडेट ये नहीं है, ना ही ये हमारा वोटर सपोर्टर है। मैं जितना अरसा इन जगहों पे गया हूँ, स्पेशली कलर के अंदर और थोड़ा बहुत हमें कहूटा के अंदर जो मैंने मूव किया है, तकरीबन 40 से 50 हज़ार ये लोग हैं जो कि वोट देने के लिए अपनी नबी और उसकी जो दीन को तख्त पे लाने के लिए ये लोग आप सारे जो एफर्ट कर रहे हैं उसके साथ शाना बशाना खड़े हैं। ये लोग भूल जाएंगे जो 22,000 नबी गया तो 23,000 नबी गया, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट ये 22-23 हज़ार वाला नहीं है। एक तो बरए मेहरबानी ये चीज़ जहन में सारे निकाल दें कि जी फलाना जीती गया तो फलाना हारी गया। एक तो सर हमें भीख से मांगी हुई कोई चीज़ नहीं चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह हमें साफ सुथरा जो है वोट पड़ा है और मुझे ये भी पता है कि कितना वोट आगे पीछे हुआ है। मोस्टली जो यहाँ पे हल्का है हमारा उसमें कितना वोट पड़ा है इसका भी मुझे पता है। और ये जो इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से जो बातचीत चल रही है जो चट्टा साहब अभी बता रहे हैं, तो आप लोगों को खुद एहसास होना चाहिए कि कितना वोट पड़ा, कैसे इसके अंदर ऐड हुआ, किसका डाल दिया गया, किसका निकाल दिया गया। उनसे हमारा लेना देना नहीं है, हमारा मकसद जो है वो दीन को तख्त पे लेके आना है और उसके लिए हमने हर रोज़ काम करना है। दैट्स इट, सिंपल सी बात है। और हम लोगों ने काम करके दिखाया है। लोग परेशान हो जाते हैं जी वो 22,000 लगी गया तो बड़ा कट वोट हो गया। वो खुदा के बंदो, हमने तो 50 से 60-70 हज़ार बंदों को मैंने टच किया है। बाखुदा जिधर भी गया हूँ हर बंदे ने खड़े होकर इज्जत की है कि करण साहब हम आपके पीछे और इंशाल्लाह हम लोग आपके साथ खड़े हैं। हमारा मिशन आज से स्टार्ट है। ये सिर्फ मैंने जो लोगों ने 2-2.5 माह लगे रहे हो सुबह शाम अपने वसाइल से, उन लोगों को सिर्फ और सिर्फ शुक्रिया अदा करना है कि हम लोग आपकी, हालांकि ये ना तो उन्होंने मुझ पर एहसान किया ना मैंने उन पर एहसान किया, लेकिन एटलीस्ट आप लोगों को बुला के आपकी हौसला अफजाई करना भी एक लीडर का काम बनता है। अगर मैं आपको पूछू ही ना नसीगे जहाँ आखा जी करण साहब को थे, आज मैं 8 तारीख 19 दिसंबर से लेके आज तक इधर ही हूँ और मैं आपसे वादा करता हूँ सबसे, तो मेरे भाई जो सुन रहे हैं और जो सामने हैं, कि मैं इंशाल्लाह सैटरडे संडे जिस तरीके से पहले मैं अपने एरिया में था, एक दिन मैं इंशाल्लाह कलर में होऊंगा, एक दिन कहूटा में होऊंगा और इसी तरीके से अपने लोगों की बात सुनूंगा। जहाँ जहाँ पर मैं जा सका वहाँ पर मैं जाऊँगा। और दूसरी बात यह है कि हमने अपनी तंजीम साजी के लिए मैंने आप लोगों को एक मैसेज देने के लिए बुलाया था यहाँ पर कि हमने अपनी तंजीम साजी करनी है। नदीम सरानी साहब ने जितना उनकी एफर्ट थी, जितना वो भाग सकते थे वो भागे, लेकिन उन्होंने भी रिक्वेस्ट की हुई है कि कहें साहब जब हम यहाँ पे ये वाला इलेक्शन ख़त्म हो जाएगा तो हम कोशिश करेंगे कि हम कोटा तहसील के लिए अपनी तंजीम साजी इलादा करें, इसी तरीके से कलर की भी, ताकि और मौसर अंदाज से हम अपनी तगदो कर सकें। और इंशाल्लाह नेक्स्ट इलेक्शन जब भी कहीं होते हैं, हमें, मैं फिर कहूँगा कि हमें इलेक्शन से नहीं है, लेकिन जब ये इलेक्शन होने, ये आपका इलेक्शन होगा इंशाल्लाह, आप लोग क्लियर कट मार्जिन से जीतेंगे। और दूसरी बात यह कि भरपूर अपोजिशन का दौर अब आया है तहसील कोटा कलर में, PP7 के अंदर। अपोजिशन का मतलब समझते हैं ना, और थोड़ी जी इंतजामिया जड़े ना थोड़ी गड़बड़ कर नजर आ, इंशाल्लाह उनको सामने कलर मशीन नजर आएगा। कलर के अंदर आप लोगों का काम है बताना मुझे। कर्नल साहब बड़े शरीफ जो बंदे, कोई शरीफ होना को गाली है,
और टेक्नोक्रेट लाइक बंदे हैं जी, टेक्नोक्रेट बिल्कुल नहीं हूँ जी मैं, नहीं पता कुथा मैं क्या करना और क्या क्या नहीं करना। और इसके अलावा फ्यूचर के अंदर ये चीज़ मैं आपको बावर करा रहा हूँ बार बार, ना तो हम किसी के साथ अननेसेसरीली खड़े होने वाले लोग हैं कि हम बात ही ना हो तो हम चल पड़े किसी के साथ, लेकिन किसी मेरे कैंडिडेट के साथ, अपना मेरे वोटर सपोर्टर के साथ, मेरे कारकुन के साथ किसी जगह के ऊपर, और इसके अलावा भी किसी ऐसे बंदे के साथ जुल्म हुआ तो बिल्कुल मैं उसके साथ खड़ा होऊंगा, वो थाना कचहरी हो जिधर भी हो, मैं इंशाल्लाह खुद लीड करूंगा, मैं नहीं होऊंगा, मेरे यूसी के नुमाइंदे हैं, अमीर हैं, उनके नाज़ में आला है, पूरी की पूरी बॉडी बनी हुई है, जहाँ पर हमारी कोताहियाँ हैं उनको हमें ठीक करना है और हमारा फ़र्ज बनता है ठीक करना, और हम उनको इंशाल्लाह बहुत जल्द ठीक करके दिखाएंगे आपको। मे बी विद इन अ मंथ और सो आप देखेंगे कि हम तमाम अपनी जो हमारा इंतजामी ढांचा है जो हमने जिसको हमने बेहतर करना है। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो मुझसे मिल रहे हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने मुझे कहा कि खान साहब हम विद इन 10-15 डेज आपसे मिल के हम लबैक को ज्वाइन करना चाहते हैं। तो मैंने कहा जी हमारे दरवाजे खुले हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आप आए। हमारा नज़रिया जो है वो सीधा सीधा सिंपल है कि हमने किसी के साथ भी नाइंसाफ़ी नहीं होने देनी, और वो मंशूर के अंदर मेंशन है, बच्चों के हवाले से, ग्राउंड्स के हवाले से, हॉस्पिटल, कोई चीज़ बता दें इस एरिया के अंदर, PP7 के अंदर, मैं तहसील कहूटा की या MC कहूटा की बात नहीं करता, एक चीज़ मेरे बुजुर्ग मेरे बड़े इस पर दाएँ बाएँ सामने बैठे हुए हैं, एक चीज़ तो बता दें मुझे आप, आई डोंट नो कि किस चक्कर में अब उन्होंने हमें बांटा हुआ है, डिवाइड किया हुआ है हमें। भाई कोई बंदा ये सारे काम करता है, आप कहेंगे करण साहब आपकी जरूरत नहीं है, यू हैव डन योर जॉब, अब आप सुकून करें मैं बैठ जाऊंगा, लेकिन एक काम नहीं है, खाली नारे, सुखे नारे, किस चीज़ के नारे लगाए हम, तड़े गचो उसी कोई कुछ पड़ती रहा कोई नहीं, असाजा इकराम को उठा लिया जाता है यार, कितनी शर्म के मकाम है। इधर ही बैठे हुए हैं वो, एक वो सामने बैठे हुए हैं, मैं आपसे शर्मिंदा हूँ हजूर, सज्जाद भट्टी साहब यार एक बंदा 60 years ही हैज़ गिवन एवरीथिंग, पता नहीं इसके कितने तो स्टूडेंट्स होंगे, आप सिर्फ चंद वोटों के लिए उठा लेते हैं, मतलब दिस इज लाइक रिडिकुलस, शर्म आनी चाहिए। इसके अलावा वो दो दिन गुजरे हैं, लोगों ने वो साइन करने से इनकार कर दिया, आप उनको थानों में बैठा देते हैं, किसी को 2 घंटे के लिए बिठाया हुआ, किसी चार, मैं पहले भी बोल चुका हूँ आज आपके साथ होना है कल किसी और के साथ होगा, आज अगर मैं तमाशा देखता रहूँगा तो फिर यही होगा कि कल मेरा तमाशा को देखेगा, कि हम एक दूसरे के तमाशे मत देखें। अपोजिशन अब शुरू होगी मेरी, और आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, आपसे मेरी विनती है कि आपने मुझे खड़ा करना है कि करण साहब कुछ है अपोजिशन, आपने दरवाजा खटखटाना है, अभी भी अगर आप टस से मस नहीं होते तो फिर कसूर आपका है, फिर अवाम, फिर कहते हैं कि जैसे हुक्मरान होंगे वैसे अवाम है, वैसे अवाम है वैसे हुक्मरान है, तो फिर आप लोगों का कसूर होगा। मैं हाजिर हूँ, मेरी पूरी टीम हाजिर है, जब भी आप कहेंगे करण साहब 2 बजे हैं 3 बजे हैं, सियासत रबते का नाम है, मैंने इंशाल्लाह आपके साथ रबता रखना है, ये रबता था, हम लोगों ने आपको बुलाया और आप एक कॉल पे और यहाँ पे खड़े हैं, कल रात को या शाम को ये चीज़ें गई हैं, क्यों आप खड़े हैं, क्योंकि आपको यकीन है कम अज़ कम जब इनके बंदे आगे जाएंगे और अल्लाह से तो डरेंगे, यहाँ पे तो डर ही कोई नहीं है, सिर्फ सीट चाहिए, जो मर्जी हो जाए सीट ले लो, बाकी अवाम भाड़ पे जाए, मैं तुसा नाल हाँ, मैं तुसा नाल हाँ, मैं तुसा नाल हाँ, और डरे लगने पे सिर्फ सीट के लिए, क्या फ़ायदा है ऐसी सीट का कि जिसमें आप मैंडेट चोरी करें और फिर आपके अंदर इतना ढीठपना हो कि आपके आके नारे लगवाएं। मैं तो कहता हूँ कि आप लोगों को खुद जागना चाहिए, मैं आप सबका नहायत मशहूर हूँ कि जिस तरीके से आपने ये कंपेन लड़ी और जो वसाइल थे और जो नहीं थे उसका भी मुझे एक एक चीज़ का पता है, और बाकी जो है इंशाल्लाह मैं अब खुद पर्सनली अपनी हर एक यूसी के अंदर जाके भी शुक्रिया अदा करूँगा। कल मैं बड़ोई में था, उससे पहले मैं होटल में था, उससे पहले मैं MC कहूटा के अंदर था, बाकी जो जगह हैं उस पर भी मैं नदीम सरानी साहब को या जो और मेरे लोग हैं वो एक प्रोग्राम मुरतब करेंगे, पर्सनली जाके मैं खुद उनका शुक्रिया अदा करूँगा। आपको याद हो कि मैंने कहा था कि 8 तारीख के बाद 9 तारीख को हमारा सफ़र शुरू होगा, और सफ़र अल्हम्दुलिल्लाह शुरू है, इसी तरह कंटिन्यू रहेगा। अल्लाह ताला आपका सबका हामी नासिर हो,
आप सबको अल्लाह ताला इस्तेकामत दे। बहुत बहुत शुक्रिया।